हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरडी टॉपिक में एक नए अपडेट के साथ और बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं 134 नए पीएससी खुलेंगे। तो जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे, 134 जो आपका नया पीएससी खुल रहा। तो ये जो आपका पीएससी, इसमें आपको बहुत प्रकार के जो पोस्टों का जो सृजन हुआ है वो मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगी। और आप इसमें जान लीजिए, आपको ANM, GNM, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ड्रेसर के लिए आपको उसमें वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। और भी सारे पोस्ट हैं वो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊँगी। तो मैं आपको आगे डिटेल दिखाती हूँ जो कि आज का अपडेट है। तो इससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको हमारा ये अपडेट अच्छा लगता है और आप हमेशा ही एक स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड नया न्यूज़ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको हमेशा ही इस पर एक नए अपडेट देखने के लिए मिलती रहेगी। तो चलिए, आज का जो अपडेट है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो आप देख सकते हैं, हेमंत सरकार का गांवों को तोहफा, 134 नए पीएससी खोलेंगे, 2144 पदों पे होगी नियुक्ति। तो आप ये देख रहे हैं, तो इसका जो डिटेल है वो आगे चले मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें आप देख लीजिए, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 134 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी खोले जाएंगे। इन स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन के लिए 2144 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। प्रति केंद्र यानी एक जो आपका प्रति केंद्र है यानी एक जो पीएससी हुआ उस पर 2 डॉक्टर और 9 पैरामेडिकल कर्मियों की अस्थायी नियुक्ति होगी। इसमें आपको यानी यहाँ पर आपको टोटल दिया गया 268 डॉक्टर, 402 परिचारिका श्रेणी है यानी कि आपका जो श्रेणी है में GNM आती है, और 268 ANM और आगे दिया गया के अलावा फार्मासिस्ट, महिला स्वास्थ्य परिदर्शिका, प्रयोगशाला प्रवैधिक एवं लिपिक के 134 पदों पर नियुक्ति होगी। और इसका आगे डिटेल देख लीजिए, आगे देख सकते हैं, हर पीएससी में पुरुष और महिला कक्ष सेवक के एक एक, परिध्यापक या ड्रेसर के एक, सफाई कर्मी सह चौकीदार के एक, और डाटा एंट्री ऑपरेटर के एक पद यानी 607 कुल आउटसोर्सिंग के आधार पर भरे जाएंगे। आउटसोर्सिंग कर्मियों को न्यूनतम मासिक मानदेय श्रम विभाग द्वारा निर्धारित परिश्रमिक आधार पर तय मानदेय से कम नहीं होगा। ठीक है, ये आपका है। और आगे देख लीजिए, आउटसोर्स के पद स्वीकृत नहीं समझे जाएंगे, प्रस्ताव पर वित्त विभाग का अनुशंसा हो गई है। साथ ही उक्त प्रस्ताव के पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति भी मिल चुकी है। इसके बाद आउटसोर्स के पद स्वीकृत नहीं समझे, प्रस्ताव पर वित्त विभाग की अनुशंसा हो गई, साथ ही उक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति भी मिल चुकी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस बाबत संलेख जारी किया, जल्द ही इसे सरकारी राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाएगा। तो आप जो जहाँ जहाँ केंद्र खुलेंगे जिला वाइज देखिए दिया गया, पुलवामा में देख सकते हैं आपका 19 है, और गढ़वा 17, बोकारो 14, सिमडेरा 1 है, खूंटी 1 है, धनबाद में 1 है, गिरिडीह 1 है, रांची 6, हजारीबाग 6 है, देवघर में 6 है, लातेहार 6 है, पूर्वी सिंहभूम 6 है, और गुमला 6 है, और रामगढ़ 5 है। और भी आप देख सकते हैं, गोड्डा में 4, कोडरमा 4, चतरा 4, पाकुड़ में 3 है, दुमका में 3 है, सरायकेला में 3, जामतारा 3, साहेबगंज में आपका 3 है, और पश्चिमी सिंहभूम में 2 है, और अन्य आपका 4 है। ये आपका जो पीएससी जहाँ जहाँ खुलेगी उसका ये डाटा है। तो आप देख सकते हैं, इसमें और एक चीज़ देख लीजिए आप लोग, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा कि विभिन्न जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अर्हता पूरी करने वाली जगहों को चिन्हित किया गया, भवन उपलब्धता के अनुसार 134 पीएससी स्वीकृत किए गए हैं, सभी पीएससी के भवन निर्माण का कार्य पूरा हो गया। यानी आप देख सकते हैं, आपका जो पीएससी वो बन के तैयार हो चुका। इसके संचालन को लेकर भारतीय स्वास्थ्य मानक IPH के अनुरूप पदों का सृजन किया गया है। तो आप देख लीजिए इसको, आगे देखिए, पूर्व में 77 नव सृजित पीएससी के लिए केवल चिकित्सा पदाधिकारी के कुल 154 पद सृजित किए गए थे, पैरामेडिकल कर्मियों के पद सृजित नहीं किए गए। यानी कि ये जो बता रहे हैं आपको पहले का बता रहे हैं, ठीक है। तो अन्य 57 पीएससी में पैरामेडिकल कर्मियों के साथ साथ चिकित्सा पदाधिकारी का पद भी सृजित नहीं होने का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि एकीकृत बिहार में स्वीकृत ऐसे 1990 पद जिनकी आवश्यकता नहीं है उन्हें सिलेंडर करने का निर्णय लिया गया। यानी कि जब बिहार के साथ है उस टाइम जो आपका उस टाइम 1990 पोस्ट जो था वो सब अभी वर्तमान के हिसाब से उनको नहीं लग रहा कि इसका आवश्यकता है, तो उन्हें सिलेंडर करने का निर्णय लिया, मतलब उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो यही आज का जानकारी। तो ये जो आपका पीएससी नया खुल रहा है ये आपका झारखंड में खुल रहा है, जैसा कि मैंने आपको पूरा डिटेल में दिखा दिया जिला वाइज। तो ये आपका झारखंड में नए पीएससी खुल रहे हैं। यही अपडेट था, आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।